हेलो दोस्तों, आई एम बैक विद न्यू गेम प्ले वीडियो। तो दोस्तों, मैं लाया हूँ आज आपके लिए एक बहुत तगड़ा अपडेट। मैं नहीं मानता। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे गेम इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में पेट्रोल पंप को ऐड कर दिया गया है, और पेट्रोल पंप के ऐड करने के साथ साथ ही इसमें से बहुत सी चीज़ों को रिमूव कर दिया गया है। तो मैं अभी आपको वीडियो में आगे सब चीज़ दिखाने वाला हूं कि क्या चीज़ को रिमूव कर दिया गया है और क्या चीज़ को ऐड कर दिया गया है। तो दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो पूरा जरूर देखें, और जो भी चैनल पर न्यू है वो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले यार, क्योंकि मैं आप सभी के लिए एक से एक बेहतरीन अपडेट लेकर आता रहता हूं। और आज का अपडेट तो बहुत ही बड़ा अपडेट है, कह सकते हैं इसे कि इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D का सबसे बिग अपडेट है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि पेट्रोल पंप को ऐड करने के लिए हमारे गेम इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में से बहुत सी चीजों को रिमूव कर दिया गया है। तो मैं अभी आपको वो सब चीजें दिखाने वाला हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर अपना मोबाइल निकालता हूँ, डायल कर लेता हूँ 3333। जैसे ही मैं एक और डायल करता हूँ, मेरे सामने आ जाती है लैम्बोर्गिनी कार। तो अभी मैं इसमें बैठकर चलता हूँ स्टेशन की तरफ। और दोस्तों, मैं आपको वो जगह भी दिखाऊंगा जहाँ पर हमारा पेट्रोल पंप का अपडेट आने वाला है, और साथ ही मैं आपको पेट्रोल पंप का चीट कोड भी बताने वाला हूँ, क्योंकि पेट्रोल पंप का चीट कोड से हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा पाएंगे आसानी से। बात तो सही है। दोस्तों, मैं जा रहा हूँ अभी स्टेशन की तरफ। आप सभी को पता होगा कि हमारे गेम इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में यहाँ पर एक स्टेशन था जिसका नाम था कल्याण जंक्शन, जो कि इस अपडेट में हट चुका है। दोस्तों, मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि हमारे गेम इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में पेट्रोल पंप आने वाला है, लेकिन उसके लिए बहुत सी चीजों को रिमूव कर दिया गया। तो फाइनली यहाँ से हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम में से ट्रेन को रिमूव कर दिया गया है, क्योंकि आपको पता होगा कि पहले यहाँ पर कल्याण जंक्शन नाम का एक ट्रेन स्टेशन था, और यहाँ पर एक ट्रेन लाइन भी बिछी हुई थी जिस पर हमारी ट्रेन चलती थी, लेकिन अब वो यहाँ से हट चुकी है। और न्यू अपडेट हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में आने वाला है, वो है पेट्रोल पंप का अपडेट। और दोस्तों, मैं अभी एयरपोर्ट पर जाकर देखूंगा कि वहाँ पर भी कुछ चेंजेस आए हैं या एयरपोर्ट वैसे का वैसे ही है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब यहाँ से ट्रेन हट चुकी है तो एयरपोर्ट पर भी कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आए होंगे। गाइस, मैंने अपना मोबाइल निकाल लिया है और मैं यहाँ पर डायल कर लेता हूँ 200। जैसे ही मैं 200 डायल करता हूँ, मेरी कमर पर बैग आ जाता है। ये क्या यार, पहले तो 200 डायल करने पर हॉर्स आता था, लेकिन अब कमर पर बैग आने लगा है। गाइस यार, यहाँ पर तो चीट कोड भी चेंज हो गए हैं। मुझे लगता है कि यार अब कैसे पेट्रोल पंप के साथ साथ बहुत सारा अपडेट आने वाला है। तो अभी मैं डायल करता हूँ यहाँ पर 90 90, लेकिन जैसे ही मैं 90 90 डायल करता हूँ, मेरे सामने थार आ जाती है। अभी तक ये चीट कोड ऐसे का ऐसे ही है, इसके साथ कुछ नहीं हुआ। और गाइस, मैं दोबारा से मोबाइल निकाल लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इस बार 8000 डायल करने वाला हूँ। आपको पता है कि 8000 हमारा हेलीकॉप्टर का चीट कोड है, जो कि हेलीकॉप्टर हमारे सामने आ चुका है। तो अभी तक ये चीट कोड तो सही है। तो गाइस, मुझे लगता है कुछ चीट कोड सेम है और कुछ बदल गए हैं। तो मैं बैठ जाता हूँ अब अपनी थार में, और चलते हैं हम एयरपोर्ट की तरफ, देखते हैं कि एयरपोर्ट पर भी कुछ चेंजेस आए हैं या नहीं, या एयरपोर्ट ऐसे का ऐसे ही है। तो चलिए चलते हैं एयरपोर्ट पर। शाबाश। दोस्तों, मुझे तो लगता है कि ट्रेन की जगह पर पेट्रोल पंप का अपडेट आने वाला है, इसलिए ट्रेन को वहां से रिमूव कर दिया गया है। अगर दोस्तों आपको पेट्रोल पंप का अपडेट चाहिए तो जल्दी से वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखो यस न्यू अपडेट या पेट्रोल पंप अपडेट, मैं आपको ये अपडेट दिलवा कर रहूंगा, क्योंकि मेरे पास तो अपडेट आ चुका है। मैं अभी आपको उस जगह पर लेकर जाने वाला हूं जहां पर ये पेट्रोल पंप का अपडेट आया है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए एक से एक लेटेस्ट अपडेट लेकर आता रहता है। और आपको पता भी है कि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, और एक छोटे से सब्सक्राइब की तो बात है कर दिया करो यार, इतनी कंजूसी मत करे करो, सोचे मत, सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एयरपोर्ट के सामने। तो अभी मैं जा रहा हूँ इसके अंदर और देखते हैं। ये क्या यार, यहाँ पर तो एक ही एरोप्लेन है, दूसरा एरोप्लेन कहाँ गया? गाइस यार, आपको पता होगा कि पहले हमारे एयरपोर्ट पर दो एरोप्लेन थे, एक इधर की साइड खड़ा था और एक उधर अभी खड़ा ही है। दोस्तों, यहाँ से एक एरोप्लेन कहाँ चला गया उसका अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो कहाँ चला गया, क्योंकि न्यू अपडेट में सब कुछ बदल दिया गया है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर अपना मोबाइल निकाल कर डायल कर लेता हूँ 7777। जैसे ही मैं डायल करता हूँ, मेरे सामने एक सुपर बाइक आ जाती है। तो मैं अभी इस पर बैठकर चलता हूँ उस वाले एरोप्लेन के पास, और आपको दिखा देता हूँ कि वो एरोप्लेन कहाँ पर है। दोस्तों, हमारे गेम में दो चेंजेस हमें देखने को तो मिल गए हैं, एक ट्रेन वाला और एक एयरपोर्ट पर एरोप्लेन का। तो दोस्तों, मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ कि पेट्रोल पंप का चीट कोड क्या है, और साथ ही मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा जहाँ पर आने वाला है पेट्रोल पंप। अरे ये क्या यार, गाड़ी पे तो खुद ही बंदा गिर गया यार, इसके चोट ना लग जाए, वैसे खून तो निकल गया है यार, बस ये मर ना जाए कहीं। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि अभी हमारे गेम में पेट्रोल पंप का कोई भी अपडेट नहीं आया है, अभी पेट्रोल पंप को लेकर उस पर वर्क चल रहे हैं, और ये अपडेट हमें जल्दी देखने को मिलेगा। जैसे ही रोहित गेमिंग का इस पर वर्क खत्म होगा और ये अपडेट आएगा, मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा और आपको पेट्रोल पंप का चीट कोड भी बता दूंगा। दोस्तों, अगर आप सभी को पेट्रोल पंप का अपडेट चाहिए तो जल्दी से जल्द वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखो यस न्यू अपडेट, ताकि ये पेट्रोल पंप का अपडेट हमारे गेम में जल्द से जल्द आ जाए। तो दोस्तों, आज का गेम प्ले रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट गेम प्ले के साथ। तब तक के लिए अपने भाई को सब्सक्राइब कर लो सब लोग।